हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूज रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं आ चुका हूँ छुटके से प्यारे से दिखने वाले खिलौनों टैटल टेल्स की हॉरर स्टोरी के पार्ट 2 के साथ। अब आप ना ये मेक श्योर कर लो कि आपने पार्ट 1 देखा है, वरना आप कहोगे ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि गाइज आज ना वीडियो खत्म होते होते वक्त बदल जाने वाला है, जज्बात बदल जाने वाले हैं। सो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। तो गाइज यार, वेगेटर इलेक्ट्रॉनिक्स ना 1990s की एक बेहद ही महान कंपनी हुआ करती थी, जिनका ना गाइज एक ही एम था, पेट्स की दुनिया में तहलका मचाना। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या आप एक कुत्ता या बिल्ली पालना चाहते थे और आपने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी कुत्ता पालने क्या? हाँ। लेकिन तभी आपकी मम्मी के रिप्लाई ने आपकी बोलती बंद कर दी। बेटा तुझे पाल तो रहे हैं, दो कुत्ते नहीं पाल पाएंगे हम। गजब बेइज्जती। तो आप अकेले नहीं हैं। एंड दैट्स व्हाई हम यानी वेगेटर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ऐसे रोबोट्स बना रहे हैं जो पेट एनिमल्स जैसे होंगे, बट इनके साथ असली पेट्स वाली दिक्कतें नहीं होंगी। ये टट्टी किसने की है? Now guys, इसी कोशिश में ना वेगेटर वालों ने सबसे पहला टॉय बनाया मामा टैटल टेल, एक खूंखार दरिंदी। मामा टैटल के पेट में ना यार एक टेप रिकॉर्डर था, जिसमें कैसेट डाल के ना आप कुछ भी सुन सकते थे। और जब भी मामा टैटल टेल कुछ बोलती थी ना, तो उसका सर रोटेट करता था। बाय द वे गाइस, मामा टैटल टेल ना एक तरह की टीचर थी, जिसके साथ जो कैसेट्स मिलती थी ना, उनमें ना ऑडियो बुक्स होती थी, और उसी की असली बुक ना बच्चों को एक एक्स्ट्रा मिलती थी, ताकि बच्चे कहानी पढ़ते रहें और मामा उन्हें वही कहानी ऑडियो टेप में सुनाती रहे। एक बार की बात है, एक बच्चे ने मामा टैटल टेल में गाने की कैसेट डाल दी। बस फिर पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। आज का सवाल, द वॉल्टन फाइल्स में बॉन्ड के अंदर किसका भूत था? ए जैक, बी फेलिक्स या फिर सी रोजमेरी? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट को पिन किया जाएगा। नाउ गाइस, इसके बाद ना कंपनी वालों ने बनाए नन्हे मुन्ने प्यारे से बेबी टैटल टेल, जिनमें ये पर्पल टैटल टेल यानी हमारा टटलिया सबसे बड़ा भाई था, और येल्लो और ब्लू टैटल टेल ना दोनों उसके छोटे भाई थे। इसके अलावा ना गाइस, कंपनी वाले ब्लैक और व्हाइट कलर के बेबी टैटल टेल्स बनाने के मूड में भी थे। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अरे नहीं यार, ये तो आधा सच है, असलियत में तो उस कंपनी की नियत में खोट था। इन टॉयज को बनाने के पीछे ना उनका अलग ही लेवल का शैतानी मकसद चल रहा था। अब मैंने आपको बताया था कि मामा टैटल टेल को बैन कर दिया गया था। अरे हाँ भाई हाँ। तो इसका रीजन जानने के लिए चलो अक्टूबर 1998 को चलते हैं, जब बेबी टैटल टेल्स को बना दिया गया था और उन्हें मार्केट में लॉन्च किया जाने वाला था। सो फॉर दैट कंपनी ने इनके टीवी एड शूट करवाए, बट उस दौरान ना गाइज मामा टैटल टेल ने बहुत ही अजीब हरकतें करी। हमारे पास ना 22 अक्टूबर 1998 के दिन को रिकॉर्ड हुई कंपनी के CCTV कैमरास की फुटेजेस हैं, और वो एडवर्टाइजमेंट्स उन्हीं दिनों शूट किए जा रहे थे। अब इनमें ना कैम 7 देखो, सोफे के पीछे दिखा कुछ, लो इस कैम 8 में भी देखो एक और बॉडी। अरे गाइज यार, कंपनी का कोई एम्प्लॉय होगा जिसे मामा टैटल टेल ने मार डाला। ऐसा जरूरी नहीं। अच्छा चलो ये देखो फिर, कैम 9 यानी स्टोरेज रूम की रिकॉर्डिंग। इस बेचारे को दर्द में तड़पा तड़पा के मामा टैटल टेल मजे ले रही है। अरे ये मामा तो सही में दरिंदी है। हाँ गाइस, चलो ये देखो एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग जो मामा टैटल टेल के बैन होने के बाद की है। ये वेगेटर इलेक्ट्रॉनिक्स में ना एक रूम है जहाँ कई सारी मामा टैटल टेल्स को रखा हुआ था। कैसी डरावनी सी लग रही है ये सब। हाँ गाइज, बट आप ना इनमें से बीच वाली मामा को देखो, बाकी तो सबकी सब एक बेजान खिलौने की तरह खड़ी हैं, बट इस बीच वाली मामा की खोपड़ी ना घूमने में लगी है। अब गाइज ऐसा कहते हैं ना, ये जो मामा टैटल टेल थी ना, वो अपने बच्चों को लेके यानी बेबी टैटल टेल्स को लेके ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी, मतलब कोई उन्हें छूता भी था ना तो ये उन्हें पेल देती थी। और इसी रीजन की वजह से मामा टैटल टेल उस बेचारे चिंटू की लंका लगाने में रह गई। बट गाइज मजे की बात तो ये है ना कि ये बेबी टैटल टेल्स ना अच्छे थे। चलो वापस आते हैं चिंटू की कहानी पे। चिंटू हो जाएंगे। नाउ क्रिसमस से दो रात पहले यानी 23 दिसंबर 1998 को
आधी रात को चिंटू को किसी के फुसफुसा के बात करने की आवाज आती है। सो चिंटू चेक करते करते गैराज पहुंच जाता है और वहां पर्पल टैटल टेल यानी हमारा टटलिया और येलो टैटल टेल बैठे होते हैं। अब जब चिंटू टटलिया को अपने हाथ में पकड़ता है ना, तो टटलिया बोलता है लुक्को छुप्पो खेलते हैं। चिंटू ने सोचा कि नींद तो टूटी गई है, सो बढ़िया से गेम ही खेल लेते हैं। सो गेम शुरू हो गया, येलो टैटल टेल छुप गया और चिंटू और टटलिया उसे ढूंढने लग गए। बट गाइज, मामा टैटल टेल भी वहीं थी और मामा का सीन ऐसा था कि वो अंधेरे में अटैक करती थी। सो हाइड एंड सीक खेलते टाइम ना गाइज, लाइट ना बीच बीच में बहुत बार चले जा रही थी। सो जब भी हाइड एंड सीक खेलते टाइम लाइट्स ऑफ हो रही थी ना गाइज, तब तब चिंटू को मामा टैटल टेल की वो लाल भूतिया आंखें दिख रही थी जो चिंटू की दबा के फाड़ दे रही थी। बट फिर चिंटू ने सोचा कि खिलौना ही तो है, किसी के बाप से नहीं डरने को। नाउ मामा टैटल टेल की उन आंखों से बचते बचाते टटलिया को चार्ज करके बाल बना के फ्रिज से खाना खिलाते खिलाते चिंटू बढ़िया से हाइड एंड सीक खेल लेता है और फिर वो ना सो जाता है। 24 दिसंबर 1998 क्रिसमस ईव यानी कल क्रिसमस है। चिंटू अपने रूम में बढ़िया से सोया हुआ था कि तभी ना उसे टटलिया की आवाज आती है। wake up. टटलिया उसी के रूम में था। नाउ चिंटू उसे उठाता है और तब टटलिया बोलता है You're up. We're having a party for my mama. Come help us. उठ गए चिंटू, हमने मामा के लिए एक पार्टी रखी है, चलो आओ और तैयारी में हमारी मदद करो। सो चिंटू बोला आओ पार्टी। नाउ चिंटू ना टटलिया के साथ फ्लैशलाइट लेके बेसमेंट की तरफ चल देता है और वहाँ ना गाइज ब्लू और येलो टैटल टेल्स होते हैं। देन हमारा टटलिया चिंटू से कहता है कि उसके दोस्त को ढूंढ दो। सो चिंटू घर का चक्कर मारता है और उसे दो और बेबी टैटल टेल्स मिल जाते हैं। सो वो उन्हें लेके नीचे आ जाता है। देन चिंटू ना उस पार्टी के लिए चीजें कलेक्ट करने लग जाता है, जैसे खाने के लिए कपकेक्स, दिवाली में लगाने वाली लाइट्स की लड़ी। बट इस दौरान ना गाइज लाइट्स ऑफ होते रहती हैं और मामा टैटल टेल की लाल आंखें चिंटू का पीछा ही नहीं छोड़ती। फिर गाइज चिंटू ना जब ऊपर से कैंडल्स लेके आता है ना, तो नीचे का नजारा देख के ना वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उन टटलियों ने दिवाली वाली लाइट से एक सर्कल बना के उसके बीच में एक स्टार बना दिया था। लगता है ये किसी भूतिया पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। चिंटू भाई संभल के रहना। ना उस स्टार के सेंटर पे ना एक VHS टेप रखी हुई थी और स्टार के चार कोनों पे वो टैटल टेल्स बैठे हुए थे। देन चिंटू ना हमारे प्यारे पर्पल टटलिया को उस पांचवे कोने पे रख देता है। फिर वो सबके आगे कैंडल जला देता है और फिर गाइज वो पार्टी नहीं थी बल्कि सारे बेबी टैटल टेल्स मिलके ना उस मामा टैटल टेल को रोकने में लगे थे। अब मामा टैटल टेल उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लाइट्स ऑफ करना, कैंडल्स बुझा देना, सब ट्राई करती है वो। बट जैसे तैसे करके ना वो रिचुअल पूरी हो जाती है एंड देन फाइनली बीच में रखी हुई वो VHS टेप डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे मामा टैटल टेल हमेशा के लिए गायब हो जाती है। फिर सारे टाइटल टेल्स वापस अपने बॉक्सेस में पैक हो जाते हैं। चिंटू अपने रूम में चला जाता है और फाइनली एक चैन की नींद सोता है। The next morning. 25 दिसंबर 1998 गाइस क्रिसमस की सुबह को ना चिंटू बढ़िया से हंसते खेलते हुए उठता है, क्योंकि अब फाइनली वो पर्पल टटलिया के साथ खेल सकता था। सो वो क्रिसमस ट्री के पास जाता है, बॉक्स खोलता है, बट टू हिज सरप्राइज बॉक्स खाली था गाइस। और तभी ना दी एंड। तो गाइज यार ये थी टाइटल टेल्स की कहानी। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉयड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।